इटर्नल्स उन्होंने बनारस में लगाई नहीं थी पहले दो दिन ओ भाई। हाँ बनारस में इतनी बड़ी सिर्फ, सिर्फ सूर्यवंशी लगी थी कोई पिक्चर नहीं सिर्फ सूर्यवंशी हाँ अब मुझे देखना का तभी Iternals, तुम्हारा इटर्नल्स का वीडियो लेट आया था इटर में देखने गया था गोरखपुर हाँ। और बताए गोरखपुर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कितने बजे था साढ़े चार बजे

पीछे अब टाइम आ चुका है अपने के कंटेंट के चक्कर में सिटी बदलने का इस चक्कर में तुम्हारे वीडियो डिले होते जा रहे हैं बनारस में शिफ्ट हो जाओ अरे नहीं लेकिन बनारस भाई इतना बड़े वाले जो मल्टीप्लेक्सेज आए ना तो ट्रेंड चेंज हो गया नहीं तो भाई मेरे को अभी भी याद है मैं और मेरा कजिन थे घर वालों ने भेजा की बेटा काम करो जाके एम की कोचिंग भी देख लो तो टाइम कोचिंग की उन्होंने कहा डेमो क्लास है जाके देख लो मैंने कहा ठीक है और भाई निकले यार देख कोचिंग तो करने का मन है नहीं अभी मैं इतने इतने टाइम से बायोवायो पढ़ रहा हूँ पिक्चर देख लेते हैं काम करते डार्क नाइट लगी है ये देखो डार्क <laughs> <laughs> नाइट लगी थी पूरे भोपाल में सिर्फ एक थिएटर में सोचो कितनी पॉपुलर मूवी और वो वैसा थिएटर था जिसमें मतलब उस टाइप की पिक्चरें लगती थी उसमें डार्क नाइट लगी थी और पता है डार्क नाइट मूवी उन लोगों ने डेढ़ घंटे में खत्म कर दी कितनी काट काट के दिखाई है मूवी हाँ। मेरा डार्क नाइट का पहला एक्सपीरियंस इतना पथेटिक था ना कि मैं बता नहीं सकता तुमको और हिंदी में भाई वो एक्चुअल में डार्क नाइट ही लगा था ना डार्क नाइट ही थी वरना वरना 18 प्लस पैरेडीज होती नहीं 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 जोकर हीट लेजर का <laughs> जोकर हमको मालूम है नहीं भाई <laughs> ऐसे इतने कंफ्यूज इतने कंफ्यूज नहीं होंगे हमको मालूम है हीट लेजर ये सनी लियोन नहीं है अच्छा यार मैं अपने यहाँ के को गाली देता था वो लोग लगाते तो है कम से कम मतलब ऑडियंस नहीं जाती देखने के लिए इसलिए सुबह के शो कैंसिल कर देते हैं मेरी सिटी में बट एटलीस्ट वो लोग सुबह 10 बजे का शो रखते हैं एक बात ये बताओ आजमगढ़ की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे आती है अच्छा हाँ, इतना बड़ा है लेकिन हाँ और अगर मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ अगर कमेंट्स में बताना तुम सब की मेरे ख्याल से सर्फेस एरिया भी बड़ा है आजमगढ़ का बनारस से अच्छा हाँ, लेकिन फिर, लेकिन फिर भी हालत यही तुम्हारे लिए अब वक्त आ चुका है कि तुम शिफ्ट हो जाओ बनारस और क्या? समझे? बनारस नहीं अगर शिफ्ट होना होगा ना तो मैं मैं शायद दिल्ली में ही जाऊंगा नहीं दिल्ली जैसे दूर हो जाएगा ना तुम्हारे घर से अगर मान लो घर आना मैं और भी पिक्चर देख पाऊंगा मैं इनका बनारस का भरोसा क्या एक एक लगानी लगानी नहीं वो बात भी है वो बात भी है दिल्ली में आई मैक्स मैक्स में देख लोगे तुम या बैंगलोर भी जा सकते हो अपने दोस्त सचिन के पास

इसी से को उसके लिए उसके लिए अच्छे से प्रमोशन करना पड़ेगा तो देखो अगर आ, आपने मैन ऑफ तो कल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो इस मैन ऑफ कल्चर का अगर आपको घंटे घंटे का वीडियो नहीं देखना पसंद तो मैन ऑफ कल्चर का हाईलाइट चैनल भी उसको भी सब्सक्राइब करो यहाँ देखोगे तो वहाँ के एड ऐसी पैसा कमाएंगे हम लेकिन कमाएंगे जरूर ताकि हम सब थिएटर में पॉपकार कोल्ड ड्रिंक